मंदभागी खबर जंडियाला गुरु तो आ रही है जिथे एक प्यो दा कतल कर दिता जाता है उसी दी मासूम 3 साल दी धी दे सामने। सो दस देने कि राम शरण नाम दसिया जा रहा है उस व्यक्ति दा जो कि अपनी गड्डी दे विच अपनी 3 साल दी धी दे नाल अपने घर दे बाहर पहुँचता ही है और तो उसी वेले 4 हमलावर उसके गड्डी दे बाहर खड़े होकर पिस्तल कढ के खड़े हो जाते हैं और यह जिहड़ा नौजवान है जो गड्डी दे विच अपनी बेटी दे नाल मौजूद सीगा उस उत्ते गोलियां चला दित्तियां जांदियां ने और धी दे सामने ही उसका कतल कर दिया जाता है। परिवार का रो रो के बुरा हाल है, परिवार के दुखों का बहार टुटा है और ये नौजवान है जिसका कतल किया गया है। सो दस दें कि जिस वेले कतल होया इस नौजवान का जिसका नाम राम शरण दसिया जा रहा है, इसकी धी 3 साल की बच्ची जड़ी सी वो इस दे नाल सीगी। किया जा रहा है कि घर के बाहर जिवें ही ये नौजवान पहुंचा तो उसी वेले पीछा कर रहे जड़े दसे जा रहे कुल 7 हमलावर सीगे और बाकी जड़े सी वो अगे निकल गए और जड़े 2 बाइक ते सी जिन्हें 4 हमलावर बैठे हुए सी उन्हां वल्लों अपनी बाइक तो उतर के इसने पिस्टल कढ़ के इसकी गड्डी दे आले दुआले खड़े हो जाते हैं और इन्हें इसी दे विच एक प्यो ने अपना फर्ज निभाया तो अपनी छोटी जी धी जिहड़ी कि उसने अपनी गोद च बिठाई हुई सी उस धी नूं गड्डी दे हेठां लम्मे पा दिंदा है ताकि उसकी जान जिहड़ी है बच जाए और उस तो बाद हमलावर ताबड़तोड़ गोलियां चला देंदे ने जिस करके इस नौजवान का जिसका नाम राम शरण दसिया जा रहा है इसकी मौत हो जाती है। दसिया जा रहा है कि पत्नी जिहड़ी है वह उसके कहने मुताबक वह घर का दरवाज़ा खोलती है और उस तो बाद उसके अखों के सामने ही पूरी वारदात वापरी है। जिदा वह पिछे भजती है हमलावर दे तो उसू भी पिस्टल दिखा दी जाती है जिस तो बाद उतों ये हमलावर चले जाते हैं। सो दस दें कि पूरा मामला जिहड़ा है अमृतसर के जंडियाला गुरु का है जिथे देर रात 12 बजे के करीब ये वड्डी वारदात वापरती है जिथे एक नौजवान का उसी के घर के बाहर उसी की धी के सामने बेरहमी दे नाल गोलियां मार दित्तियां जांदियां ने जिस करके इस नौजवान की जान चली गई है। परिवार का रो रो के बुरा हाल है, परिवार दियां अखां चों हंजू नहीं सुक रहे, इंसाफ की मांग कर रहे ने आंसू जिन्हां जिहड़े कि अपने बच्चे के कतल जिहड़े कातल ने उन्हां नूं फांसी की सज़ा की मांग कर रहे ने। फिलहाल दस दिने कि वड्डी वारदात मंदभागी वारदात है और उस धी दे लई जो उसने अपनी अखां दे नाल अपने प्यो नूं मरदे होए वेख्या, 3 साल दी मासूम धी सी जिस वेले वारदात वापरी दस्सिया जा रहा है कि प्यो दी गोद गोदी ते कुड़ी बैठी हुई सीगी। प्यो ने जो देखा कि उसकी उसके आले दुआले जड़े ने ये हमलावर खड़े ने पिस्टल कढ के और उसकी मौत है, उसने अपने प्यो होण दा फर्ज निभाया ते अपनी कुड़ी नूं तुरंत गड्डी दे हेठां यानी कि जिहड़ी सीट हुंदी है उसके हेठां उन्हूं लम्मे पा दिता ताकि उसकी बच्ची जिहड़ी है वह बच जाए तो उस तो बाद ये हमलावर लगातार गोलियां चलाते हैं जिस करके इसकी मौत हो जाती है। फिलहाल दस दें कि मृतक की पहचान जंडियाला गुरु दे राम शरण के तौर पर हुई है और मृतक की पत्नी जिसका नाम मनी दसिया जा रहा है उसने दसिया है कि उसका पति राम शरण मजदूरी करता सी, रात नूं अपने छोटी जी बेटी नूं लै के अपने भरा सतपाल सिंह दे घर जांदा है। जदों उत्थों मिल के वापस आंदा है तां पिछों पहलां तो ही ये जिहड़े हमलावर सी पिछा कर रहे सीगे और उस तो बाद उन्होंने कार की आवाज़ जदों लेडी ने सुनी उसकी पत्नी ने सुनी तो उसके कहने मुताबक उसने दरवाज़ा खोलिया तो इसी दौरान उसके आले दुआले कार के आले दुआले पहला ही पिस्टल कढ के नौजवान खड़े से उन्होंने गोलियां चलानियां शुरू कर दित्तियां और जिहड़ा राम शरण सी मनी के अनुसार जो राम शरण की पत्नी है उसकी पति के अनुसार उसकी पत्नी के अनुसार जिहड़ा पति सीगा उसका वो कार विच ही सीगा, उसकी 3 साल की कुड़ी जिहड़ी सी उसकी गोदी च बैठी हुई सी। उसी दौरान 4 हमलावर जिहड़े 2 मोटरसाइकलों के उत्ते आउंदे ने उन्हां चों 2 नौजवानों के हत्थां च पिस्टल सीगी, हमलावर ने बिना देखे उसके पति ते गोलियां चला दित्तियां। हालांकि एक प्यो ने अपना फर्ज निभाया, अपनी धी की जान बचाई और मोटरसाइकिल सवार जिहड़े हमलावर सी ओह उत्थों वड्डी वारदात नूं अंजाम दे के फरार हो जाते हैं। उस तो बाद जिहड़ी पीड़ित महिला है मनी है उसके कहने मुताबक उसने शोर पाया रौला पाया अलग अलग लोग इकट्ठे हुए, जब तक राम शरण उसे अस्पताल लै गए तद तक उसकी मौत हो गई सी, डॉक्टर ने मृतक घोषित कर दिता सी। फिलहाल पति ने तुरंत कह जा रहे कि बहुत कहते हैं कि धियां अपने बाबल दियाँ बहुत लाडलियां होंदिया ने और अजिहा एक
प्यो ने अपना फर्ज निभाया, अपनी बच्ची की जान बचाई और उसने तुरंत अपनी बेटी नू कार दे फर्श के उत्ते लटा दिता। नहीं तो कोई होर भी वड्डी वारदात जिहड़ी सी वापर सकदी, क्योंकि एक प्यो दे साम प्यो दे गोदी विच ही इह धी बैठी हुई सीगी और उसने अपनी धी की जान बचाई और उसनू जिहड़ा इस वारदात जिहड़ी वापरी है उस तो उसकी अपनी बेटी नू बचा लिया। फिलहाल हमलावर जिहड़े ने फरार हो गए ने। गुआंढियों की मदद के नाल रामशरण नू हस्पताल भी पहुँचाया गया पर उसकी मौत हो चुकी सी। फिलहाल पुलिस नू जड़ा रामशरण है उसकी पत्नी वालों बयान भी दिए गए ने। उन्होंने कुछ लोगों पर शक भी जताया जिस दे आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है, पर बेहद मंदभागी खबर है और पुलिस प्रशासन जड़े है वह लगातार इस पूरे मामले के दोषियों नू गिरफ्तार करन दे विच जुटी हुई है। पर जिस तरह के नाल पंजाब सूबे दे विच लगातार अजिहियां वारदातां वापर रहियां ने बेहद चिंताजनक ने। और दस दें कि जिहड़ी पीड़ित है, पीड़ित महिला है, उसके कहने मुताबक पुरानी रंजिश भी हो सकती है क्योंकि उसका पति जिहड़ा सी पहला बुरी संगत दे विच पै गया सीगा और बहुत सारे दुश्मन भी सी उरे, पर उसने अपनी जिहड़ी बुरी संगति सी उह छड्ड दित्ती सीगी। उस तो बाद फिलहाल उसके पति उत्ते गोलियां चला के उसका कतल किया गया है। पुलिस ने उसने बयान दिते ने, कुछ लोगों के नाम भी दसे ने जिन्हों पुलिस ने हिरासत लैके उन्हों तो पूछगिछ कर रही है। फिर बेहद मंदभागी खबर है, बेहद मंदभागी खबर उस बच्ची लई है जिसने अपना प्यो गवा लिया है और उस बच्ची के सामने ही उसके प्यो नु गोलियां दे नाल छलनी कर दिता गया और उसकी प्यो की मौत हो गई। फिलहाल हमलावर की भाल की जा रही है। पत्नी के बयान से जड़ा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और लगातार लोगों तो पूछगिछ की जा रही है, पर उस परिवार का रो रो के बुरा हाल है जिन्होंने अपना पुत गवा लिया है। माँ ने अपना पुत गवाया है, पत्नी ने अपना पति गवा लिया और बच्चिया ने अपना प्यो गवा लिया है। फिलहाल इस पूरे मामले के विच की कुछ कह रहे हैं रामशरण के परिवार वाले, आओ सुनते हैं। गगनदीप सिंह भाजी, की गल होई है जी? भाजी राती चार जने आए है, टोटल सत्त जने ही, तो भाई गड्डी का इदा पिछा करते आए ही, तो भाजी जेडे तीन जने वो सीधे चल गए आ, तो जेडे चार जने आए उन्होंने शूट शुरू करता वा भाई। गोलियां उन्होंने शीशे के उपर वाहवा ही मारिया ही, तो छोटी गुड़िया है 3 साल की, तो सर ਉਹਦਾ ਤੇ ਬਚਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪਾਪਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਜਿੱਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਸਰ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ, 12:30 ਪੌਣੇ 12 ਵਜੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ। ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀਸ ਰੱਖੀ ਉਹਨੇ, ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਸਾਕ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਡੈਡੀ ਤੇਰਾ ਕਿਸ ਨਾਮ ਦੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਾਨੀ ਸਰ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਅੱਜ ਰਾਤ? ਸਰ ਮੈਂ ਆਏ ਆ 12:30 ਆਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾੜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਿਆਂਦਾ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮਗਰ ਭੱਜੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਸਟਲ ਵਗਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲ ਗਏ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸੀ ਟੋਟਲ? 3-4 ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਉਹ ਗਏ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਗੋਲੀ? ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਐਨ ਚਲ ਗਏ ਕਾਮੰਡੀਆਂ। ਕਾਮੰਡੀ ਚੋਂ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈਗਾ? ਜਿੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਨੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਆ ਉਹਦਾ ਮੱਲੇ ਆਡੇ 7 ਵਾਰ ਦੀ। ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵਾ? ਕੌਣ ਨੇ ਉਹਨੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਰੱਖੀ? ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨੇ ਹਸਪੈਂਡ ਨੇ ਬੁੱਢੀ ਰੱਖੀ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਉਹ 7 ਵਾਰ ਦੇ। ਜੋ ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ। ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਆ, ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਵਾ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਮ ਵੱਜਦਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 1 ਵਜੇ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਵੱਲਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਰਾਊਡਡ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਪਿਸਟਲ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ 4 ਲੜਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਚਰਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹਨ ਗੱਡੀ 'ਤੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੁੰਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ,
ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਹੋਣਗੇ? ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਸੀ ਛੋਟੀ, ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਚਲੋ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਕਾਫੀ 5-6 ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ? ਦੋ ਥਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਭਰਾ ਆ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਇਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਰੋਡ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਇਹਦੀ ਵੇਟ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਣਕ ਦੇ ਪੱਲੇਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਥਾਣੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੌਂਕੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਰਾਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਵੀ ਕੋਈ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ? 4 ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਕਢਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਸਲੀ ਬੰਦੇ ਲੱਭ ਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣਾ। ਠੀਕ।